परम आदरणीय माननीय दिग्विजय सिंह जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय सुरजेवाला साहब, सम्मानित पत्रकार मित्रों, कैमरामैन साथियों और फोटोग्राफर दोस्तों, लोकतंत्र का महायज्ञ आज विधिवत खत्म हो चुका है और परिणाम भी सामने आ चुके हैं। उस लिहाज से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा हमारे नेता, हमारे यशस्वी नेता माननीय कमलनाथ जी से कि वे आपसे रूबरू हों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रजातंत्र के इस मुकाबले में। हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारे अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है, वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी। मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, वो आज भी करता हूं। मैंने पिछले एक महीने से कह रहा हूं मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। मेरे से जब आप पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी, मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। आज भी मैं विश्वास करता हूं और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है, उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके, वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, हम उनसे चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों में और उस चर्चा के बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। ये सब तो थैंक यू।